जनाब वापस आ गए पुलिस स्टेशन से। क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? नहीं दिया नहीं उन्होंने? शाम को। शाम को कब? शाम को किस टाइम? शाम को देखते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर लाइट नहीं है सुबह से लेकर, नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। तो सुबह ये चले गए थे पुलिस स्टेशन, जो कि आजकल चला हुआ है डेली उसी चक्कर में, और अभी पहुँचे और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि लाइट है नहीं। ये वाला बल्ब भी पता नहीं कब तक टिका रहता है। मैंने कहा बैठे रहो बिस्तर में, ठंड में बाहर भी क्या जाना। तो बैठे हुए बिस्तर में, पहले तो था हमारा आज का कुछ और प्रोग्राम भी था, बट बारिश ने सब कुछ ऐसा कर दिया कि यार कहीं जाएंगे बारिश में। तो पड़े हुए बिस्तर में, देखते क्या करते आगे आगे आगे। ये देखो मौसम खराब है और बारिश की बूंदाबांदी लगी हुई है। तो पहले तो जनाब बोल रहे थे कि चल पड़ते पुलिस स्टेशन। मैंने कहा यार इतनी बारिश है और ऊपर से मेरी तबीयत ना रात से लेकर ख़राब है, मतलब कि मेरे को आजकल कंटिन्यूसली पेट में दर्द हो रही है। मतलब वही कुछ घंटों के लिए होती है फिर ठीक हो जाती है, फिर लड़ाई होती है। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं आ सकती, ऊपर से मौसम भी ख़राब है, ठंड भी है, बारिश भी है, ऐसे भीगने वाला काम हो जाएगा और बीमार हो जाऊँगी। फिर वो अकेले ही गए थे और वापस को भीगते भीगते आए, बोलते बारिश हो रही थी। कहा ठीक है और अब ब्रेकफास्ट करते हैं, बाहर का मौसम इतना ख़राब है ना यार, बारिश भी थोड़ी थोड़ी लगी हुई है। ऐसे मौसम में कोई क्या ही करेगा, कुछ करने का मन ही नहीं ठंड में, इतना क्या ही करना। और अब ये कि ब्रेकफास्ट तो कर ही लेते हैं, ब्रेकफास्ट गर्म करने के लिए रख दिया मैंने, तो बस अब खाते फिर उसके बाद वापस से बिस्तर में पड़ जाएंगे। क्योंकि ठंड में, जैसे कि मैंने पहले भी बोल दिया, कुछ नहीं कर सकते यार ठंड में आना। पर जब बारिश हो रही है बाहर, लाइट भी है नहीं हमारे पास, फ़ोन में भी बैटरी नहीं है ज़्यादा कि फ़ोन खोचो, और अंदर भी उजाला होता नहीं अंदर रूम में, अंदर बहुत अंधेरा होता है। तो हमारे पास चार्जिंग वाले बल्ब है तो थोड़ा बहुत है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल ही अंधेरे में होते हैं और पता भी नहीं लगता हमारे को कि क्या है दिन दुनिया का। बाहर बैठ नहीं सकते, बारिश में कहाँ बैठेंगे, ऐसे ही है। चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, देन उसके आगे देखते क्या करते हैं, लाइट आती है नहीं आती है, अदरवाइज तो पूरा दिन ही ऐसे निकलने वाला अगर लाइट नहीं आई। तो गाइज अभी बारिश रुकी। ओ यहाँ देखो, यहाँ देखो, जल्दी आओ, काइट्स देखो कितनी ऊपर उड़ाई हुई है। यहाँ पर काइट्स तकड़ी उड़ाई हुई और ऊपर गई हुई है, मतलब इतने ऊपर नहीं उड़ते वक्त देखी मैंने यहाँ पे, बट क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, मौसम साफ है, मौसम साफ नहीं है, मौसम तो खराब ही है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं क्योंकि इनको पुलिस स्टेशन जाना था ना, यहाँ पर पता नहीं क्यों अजीब सा हो जाता है। तो इनको पुलिस स्टेशन जाना था ना, तो उनको मैं बोला था कि शाम को आना 4 बजे के करीब, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। मैं तो बोल रही थी मैंने नहीं जाना, बट ये बोलते नहीं अब तो नहीं जाना अकेले, अब तो साथ चल बनेगा। ठीक है तो हम दोनों जा रहे हैं वहाँ पर और देखते हैं क्या बनता है। अभी मैं आपको काइट्स दिखाती हूँ, मेरा बड़ा मन कर इनको देखने का। अरे दिख ही नहीं रही, रुको काइट्स ही नहीं दिख रही है यार, यार कैमरे में नहीं दिख रही। ओ देखो दिखी, दो काइट्स थी, एक पता नहीं कहाँ गई। एक एक उधर आगे गई, पता नहीं उधर की दिख भी रही है कि नहीं दिख रही है। एक उधर उड़ रही है, एक इधर उड़ रही है, वो रेड कलर वाली है। बहुत सारी काइट्स उड़ रही है और अब हम लोग चलते हैं, बस बारिश ना है यार, लग नहीं रहा कि आएंगे अभी। मुझे कैसे बच्चे खड़े हुए ना टेरेस के ऊपर काइट्स उड़ाने के लिए, यार ये तो तकड़ी ऊँची उड़ा उड़ रही है वो ब्लू वाली। तो चलो चलते हैं। तो हम लोग रूम से निकल गए, पुलिस स्टेशन जाने से पहले जनाब ने बोला कि कुछ खा पी लेते हैं बाहर। मैंने कहा ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पिज़्ज़ा खाने आए हैं, खा नहीं ऐसा प्रोग्राम एकदम से ही बना इनका पता नहीं, बोलते कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो ऑर्डर करने गए थे, ऑर्डर कर दिया है, बस वेट करते हैं जान को, अभी आज बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ से भी एक और रास्ता।
ये लो जी हमारे पिज्जा आ चुके हैं, कॉर्न वाला एंड कैप्सिकम वाला। और जनाब को देखो जरा फोन पे कैसे चिपके हुए, इन्होंने फोन चेंज कर दिया ना इसलिए नया फोन देख रहे अपना है। हेलो अक्की मचकाते हो इधर को भी देख लिया करो। तो खाना पीना हो गया और अब जाने वाले हम लोग पुलिस स्टेशन। थैंक यू। एक तो यहाँ पे ना किचड़ी किचड़ हुआ हुआ है ना, तो बड़ा संभल संभल के जाना पड़ रहा है यार। ये भी से आप पाइए चलो अब पहुँचते हैं फटाफट से पुलिस स्टेशन। और सबसे बड़ा स्यापा पता क्या है यार, इतने दिनों से लेकर लटकाए जा रहे पता ही नहीं क्या सीन है। तो हम लोग ना आधे रास्ते से वापस मुड़ गए कि ये बोल रहे कि आ ही जाना, ऐसे ही लटका रहे क्योंकि सुबह भी आए थे ये, तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ही हो जाएगा। फिर चलो यहाँ से चलते हैं कल इंच घर वालों के साथ ही जाऊँगा। ये क्या कर रहे थे आप? बातें फंस गया था खाना वो भी खा रहा था। और क्या शर्म की क्या बात है। तो हम लोग ना वापस चल पड़े, तो कल घर वालों के साथ ही जाएंगे, ये देखते हैं कल या परसों जब भी आते हैं वो लोग। तो अभी अभी कहाँ जाने वाले हम अभी कहाँ जाने वाले? अभी तो हम कहाँ जाने वाले रूप। तो अब पहले इनका कुछ और दिमाग था, अभी इन्होंने अभी एकदम से बदल दिया। तो अब रूम को चलो, बस खाने पीने ही आए थे बाहर। चलो फिर रूम को निकलते हैं, फिर देखते हैं अभी क्या बनता है, क्योंकि खड़ गया ना यहाँ पे, मेरे को पता है कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा तो रूम ही जाएंगे। इतनी देर यहाँ पर खड़ने के बाद लास्ट में यही वो निकला है कि हम लोग रूम जा रहे हैं। तो गाइज हम लोग रूम पहुंच चुके हैं और हम लोग बस सब्जियां वगैरह लेके आए हुए अभी रूम के लिए, डिनर बनाने के लिए। और इसके बाद कुछ नहीं करना, बस डिनर बनाना है। हाय हालत देखना ज़रा, मुझे तो ये समझ नहीं आता। हाँ इतने गंदे हालत हो जाते यार बाहर जाने का, किसका मन करेगा ऐसे किचन में। इनके इनके कपड़े देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है भाई निकलो साइड को खिसको इतने गंदे कर रखे ना उन्होंने कपड़े यार। हाँ मेरे को खुद को भी ऐसा लग रहा है, ऊपर से कपड़े धोए हुए ऐसा नहीं है, पिछले कल इन लोगों ने कपड़े धोए हुए और वो टेरिस पे, बल्कि बारिश आई है सत्यानाश हो गया उनके कपड़ों का, अब वो फिर से धोने पड़ेंगे अदरवाइज उसमें स्मेल आ जानी। हाँ तो वही जो भी बड्डे बारिश पता नहीं कब रुकेगी, चलो होनी तो चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं हुई है अब ठीक है। तो चलो गाइज अभी हम लोग देखते हैं क्या करते हैं इसके बाद थोड़ी देर, पहले तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थक गए इतना ठूस ठूस के। आईया कैसे हो आप, अब तो गिरवाओगे यार। चलो हाँ जी बोलिए क्या क्या लाना है, फिर से बोलिए गाड़ी में भूल गई, फिर से बोलो। दो पेस्ट्री, एक अंकल चिप्स और बस ठीक है। तो गाइज अभी तक बिस्तर में बैठे हुए थे और अब मैं जा रही हूँ नीचे शॉप तक, क्योंकि जनाब का पेस्ट्री खाने का मन है बोलते लेके आओ, कुछ दिन को इतनी ठंड लग रही कि बिस्तर से भी नहीं उतरे जा रहे हैं हंसर है चलो नीचे जाते हैं और कुछ खाने पीने का सामान लेके आते हैं। मैं डिनर अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी 6 बजे, मैंने कहा थोड़ी देर से बनाते तो इनका पेस्ट्री खाने का मन है, मैंने कहा चलो वही ले आते हैं हम भी खा लेंगे चलो। तो पेस्ट्रीज हमने करवा दी है और कोल्ड ड्रिंक तो नहीं, चिप्स ही लेना, चिप्स वगैरह लेते थे। तो ये देखो मैं ये वाली लेके आई हूँ चॉकलेट पेस्ट्री, और जनाब को चॉकलेट दे दी मैंने पहले ही, लो लो क्या यहाँ रखो क्योंकि तो चॉकलेट खाने में बिजी है। तो इधर हमारी बाकी चिप्स, अब हम करते हैं अपनी पेस्ट्री इंजॉय थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसकी बात तो वैसे भी डिनर बनाना पड़ेगा। वाह यहाँ पे लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है सुनो हमें ना ऐसे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, ऐसे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग अच्छी आ रही है। मैं सोच रही हूँ ना व्लॉग को एंड ही कर देते हैं क्योंकि इसके बाद मैं डिनर बनाऊँगी, डिनर करेंगे तो
इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वो देखो नीचे मैं इतनी ऊपर हूँ यार, सोचो सुबह सुबह ऐसे ही शुरू किया करेंगे ब्लॉग, क्या बोलते हैं आप लोग? चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।